हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त, और आज की इस अमेजिंग और शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर डायनामिक सम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायनामिक सम क्या होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं दोनों। तो डायनामिक सम का मतलब होता है कि जहां पर आपका जो डेटा है वो अलग अलग शीट के ऊपर रखा हुआ होता है और आप उसका कैलकुलेशन करके एक अलग शीट के ऊपर लाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम डायनामिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। लेकिन हम डायनामिक सम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरी इस एक्सेल की वर्कबुक जो कि ओपन हुई पड़ी है, इसके अंदर मल्टीपल शीट्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जिसमें से हर शीट के रो ए नंबर कॉलम के अंदर जो है कुछ डाटा रखा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं इन सभी का कैलकुलेशन करके, सम करके अपनी इस शीट के इस सेल के अंदर लाना चाहता हूं, तो कैसे करूं? इसको करने के मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो आप स्टैंडर्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं, जिसमें आप नॉर्मली सम पास करेंगे और एक एक सेल रेंज को वन बाय वन शीट के पास जाएंगे और उसको रेफर कर देंगे और आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप डायनामिक सम यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखाता हूं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड अप्रोच के थ्रू आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू सम और पहली शीट के ऊपर जाएंगे, उसके बाद आप इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी शीट के ऊपर जाएंगे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, तीसरी शीट के ऊपर जाएंगे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चौथी शीट के ऊपर जाएंगे आप इसको सिलेक्ट करेंगे और पांचवी शीट के ऊपर जाकर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे, तो आपके पास डेटा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आप इसको ना यूज करके आप डायनामिक सम यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू सम। और अब चूंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी जो शीट्स हैं वो एक से लेकर पांच तक की है, एक रेंज में लिखे हुए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल कोट्स ओपन करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा वन मेरी पहली शीट का, चूंकि रेंज में है तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कॉलन और उसके बाद लास्ट शीट का नाम जो कि है फाइव, और उसके बाद सिंपली कोट्स को मैं कर दूंगा क्लोज। तो ये मैंने शीट्स को पास कर दिया एक्सेल मशीन के साथ में, ये मेरी कंप्लीट शीट्स को मैंने अलग अलग शीट्स को पास कर दिया। अब चूंकि मैं एक एक शीट के ऊपर जाकर मुझे कॉलम भी पास करना है कि कौन से कॉलम के अंदर डेटा रखा हो, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ए कॉलम ए, क्योंकि मेरी हर शीट के ऊपर ए कॉलम के अंदर डाटा रखा हुआ है और मैंने ए कॉलम ए पास कर दिया, मतलब कंप्लीट पूरे कॉलम के अंदर जिस भी सेल के अंदर डाटा रखा होगा हम उसको सम कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। सो इस तरीके से आप जो है डायनामिक सम का यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।